हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड टू डिजिट नंबर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने टू डिजिट नंबर्स होते हैं। 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं, तो टोटल ये 90 जो है टू डिजिट नंबर्स हो गए। ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करें। तो पहले तो आपको वो सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और उन सभी नंबर्स को इस सेट के अंदर फिट करना है, फिर इस सेट में से एक नंबर उठाना है आपको। ये मतलब है आपका। तो अब अभी देखें, 2 की पावर n-2, n की किस वैल्यू के लिए ये जो है 3 का मल्टीपल हो सकता है। अब वैसे मैन्युअली चेक करें तो फिर टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट वे यूज करते हैं। जैसे ये 2 लिखा है, इसको लिख लेते हैं 3-1 की पावर n-2। ठीक हो गया, ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा NC0 3 की पावर n-1 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर n-1 -n -1 की पावर 2, फिर है NC2 3 की पावर n-2 -1 की पावर 3, और इस तरीके से चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट टर्म आएगा NCn-1 3 की पावर 1, ठीक है, और -1 की पावर n-1, और लास्ट वाला आएगा NCn 3 की पावर 0 -1 की पावर n, और सबसे लास्ट में -2 है। अब आप जरा इस चीज को देखें, यहां से लेकर यहां तक सबके पास 3 है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इन सब में से 3 कॉमन निकाल लूं, तो जो बचेगा उसको कुछ नाम दे देता हूं, लैम्डा नाम दे देता हूं। ठीक है। तो जितना भी ये ब्रैकेट में जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सबके पास 3 था, तो मैं 3 कॉमन निकाल लिया, जो बच गया उसको लैम्डा नाम दे दिया। प्लस यहां से क्या मिला मुझे, -1 की पावर n, और लास्ट में क्या मिला मुझे, -2। अब ये ओवरऑल जो है 3 से डिवाइड हो जाए, ये ओवरऑल 3 से मल्टीपल हो जाए, तो उसके लिए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए या पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल हो, उसके लिए जरूरी है कि ये और ये जो है 3 से डिवाइड हो जाए। अब ये वाला हिस्सा तो 3 से डिवाइड हो रहा है, अब ये वाला हिस्सा भी 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हमें n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना है। आप देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 10 पुट करता हूं, जो कि एक इवन नंबर है, तो ये जो -1 है ये प्लस हो जाएगा, तो +1 -2 -1 होगा। तो इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी पूरा 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 11 पुट करूं, जो कि ऑड नंबर है, यहां पर पुट करूं, तो ये -1 ही रहेगा। -1 -2 हो गया -3, जो कि 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो फिर ये ओवरऑल जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो ये वाला भी जो है 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो इससे हमें पता लग गया कि जब आप इवन नंबर लोगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये पूरा का पूरा नंबर, और जब आप ऑड नंबर लेते हो तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि 10 से लेकर 99, इसमें टोटल 90 नंबर्स हैं, जिसमें 45 तो ऑड हो गए और बाकी बचे 45 वो इवन हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेट दे रखा है आपको, इसके अंदर टोटल 45 नंबर्स होंगे, और सारे के सारे ऑड होंगे, मतलब 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा, 99 नंबर्स होगा। तो टोटल हो गए ये 45। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नीचे तो आपको 90 लिखना पड़ेगा, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, इस 45 में से किसी एक को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 45 तरीके से कर सकते हो। तो ऊपर आपके पास हो गया 45, सॉल्व करोगे तो 1/2 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो
जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है।